देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा, लेकर आ गई हूं फिर से एक बार शो इलेक्शन व्हील, जहां आपको दिखाई जाती है 11 प्रदेशों की बड़ी 11 खबरें, लेकिन खबरें होती हैं सिर्फ इलेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि 17वीं लोकसभा चुनाव का जो अभी समय चल रहा है, 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, बाकी बचे हैं, धीरे धीरे वो भी कवर हो जाएंगे और हम भी आपको बताएंगे कि आखिर जनता ने किसे अपना अगला प्रधानमंत्री चुना है, वो सबके सामने आ ही जाएगा। फिलहाल अपने शो की तरफ आते हैं और अपने शो को आगे बढ़ाते हैं, इस चुनावी चक्के को घुमाते हैं, क्योंकि शो में ये चक्का घूमता है और जहां पर आकर रुकता है उस प्रदेश की बड़ी खबर आपको दिखाई जाती है, चुनावी खबर आपको दिखाई जाती है, इस तीर के सामने प्रदेश आता है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ आपको बता दें कि सबसे पहले आकर रुक गया है चक्का मध्य प्रदेश पर, तो दिखाते हैं आपको मध्य प्रदेश से ये इलेक्शन व्हील में खबर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और सीधी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अजय सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने सीधी में एक संबोधन के दौरान बीजेपी सांसद रीति पाठक को माल कहकर बुलाया है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो रीति पाठक को बेकार माल कहते नजर आ रहे हैं। वो ठीक माल नहीं बा। उन्होंने इस दौरान वहां मौजूद लोगों से कहा, रीति पाठक पिछले चुनाव में मोदी हवा में सांसद बन गई, लेकिन सांसद बनने के बाद वो अपनों के बीच में लौट के नहीं आई, ना लौट के आएंगी, उनको आजमा चुके वो ठीक माल नहीं है। बता दें कि कुछ साल पहले दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को टंच माल कहकर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया था। न्यूज डेस्क। तो आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर इस चक्के को घुमाने की शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि जब तक ये घूमेगा नहीं और रुकेगा नहीं, अगली खबर का हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि यही बताता है कि अगली खबर आपको किस प्रदेश से बतानी है। तब तक आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि और आप हमसे क्या जानना चाहते हैं, और देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो यहाँ पर धीरे धीरे चक्का आकर रुक गया है, आप देख रहे हैं बिहार पर, तो नजर डाल लेते हैं बिहार के सिलेक्शन व्हील खबर पर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अरे सेल्फी बाद में लेना भाई, सेल्फी बाद में लेना, काम करने मिलने का समय तय हो गया होगा, मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय हो गया। लेकिन मोदी आजकल अक्षय कुमार को इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी पत्रकारों को छोड़कर, पत्रकार को छोड़कर के नरेंद्र मोदी अक्षय कुमार से इंटरव्यू कर रहे हैं। फाइलिंग करने बेचारे काम कुछ नहीं किए, सोच रहे अक्षय कुमार नैया पार लगा। तो दो खबरों के बाद इलेक्शन व्हील की फिर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ 11 प्रदेश हैं, तो सारे प्रदेशों की खबरें आपको दिखानी है हमें एक एक करके, और एक एक करके निर्णय लेता है ये इलेक्शन व्हील यानी चुनावी चक्का। तो घुमा चुके हैं हम और अब इसके रुकने का इंतजार करते हैं, धीरे धीरे रुकता जा रहा है चुनावी चक्का, देखते हैं किस प्रदेश पर आकर तीर निशाने पर लगता है, और यहाँ धीरे धीरे रुकता हुआ छत्तीसगढ़ पर रुक गया है, तीर निशाने पर लगा है, तो देख लेते हैं छत्तीसगढ़ से ये इलेक्शन व्हील की खबर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए छत्तीसगढ़ के नेता झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जाएंगे। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय ने प्रदेश के दिग्गज नेताओं को अलग अलग सीट पर प्रचार के निर्देश दिए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, मध्य प्रदेश के बालाघाट समेत कई सीटों पर प्रचार के लिए जाएंगे। डॉ. रमन गोरखपुर में बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन के पक्ष में प्रचार करेंगे। इसके साथ ही पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और प्रेम प्रकाश पांडे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का प्रचार करने लखनऊ जाएंगे। न्यूज डेस्क।
छत्तीसगढ़ के बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से चुनावी माहौल चल रहा है यहाँ पर, इसी तरह से सभी प्रदेशों का हाल है, चुनावी माहौल हर जगह आपको दिखाई दे रहा है, मिल घूम चुका है, रुकने का इंतजार करते हैं और फिर देखेंगे किस प्रदेश पर निशाने पर तीर लगता है और वहां की खबर आपको दिखाई जाती है। तो यहां पर धीरे धीरे व्हील रुकता जा रहा है, देखते हैं आखिर कौन सा प्रदेश है अगला। प्रदेश पंजाब पर आकर निशाने पर लगा है तीर, तो नजर डाल लेते हैं पंजाब की इलेक्शन व्हील खबर पर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के बीजेपी ज्वाइन करते ही सोशल मीडिया पर यूजर सनी देओल को लेकर तरह तरह के कमेंट, ट्वीट और फोटो शेयर कर रहे हैं। सनी देओल के बीजेपी में शामिल होने की खबर पर एक फेसबुक यूजर ने हैंडपंप की फोटो शेयर की है, जिसमें यूजर ने लिखा है कि सनी देओल के बीजेपी ज्वाइन करते ही पाकिस्तान में हैंडपंप की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स ने ट्विटर पर दामिनी फिल्म का एक सीन ट्वीट किया है। वीडियो में सनी देओल की फिल्म में कुछ हिस्से हैं जिसमें उन्होंने अदालत में तारीख पर तारीख वाला डायलॉग बोला था। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल 22 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पार्टी ज्वाइन करने के बाद सनी देओल ने कहा कि जिस तरह मेरे पापा ने अटल जी के साथ उनके सहयोग से काम किया, उसी तरह मैं भी मोदी जी का सहयोग करूंगा और उनके साथ मिलकर काम करूंगा। न्यूज डेस्क। तो इलेक्शन व्हील शो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि अगली खबर आपको किस प्रदेश से दिखाई जाती है, लेकिन ये तय करेगा हमारा इलेक्शन व्हील यानी कि चुनावी चक्का, क्योंकि शो ही फॉर्मेट है इस तरह का कि इस चक्के को घुमाया जाता है और जहां पर आकर ये तीर निशाने पर लगता है वहां की खबर आपको दिखाई जाती है। तो धीरे धीरे ये रुक गया है आकर हरियाणा पर, तो देख लेते हैं क्या है हरियाणा में हलचल इलेक्शन व्हील खबर में। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आज एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा बयान दे डाला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वे हरियाणा चलाने वालों को कब्र से भी निकाल कर सजा देंगे। हुड्डा के इस बयान पर विज ने पलटवार किया और कहा कि इसके लिए हुड्डा खुद को सजा दे दे तो इंसाफ हो जाएगा, क्योंकि कई जांचों में ये साफ हो चुका है कि हरियाणा चलाने वाले कौन लोग थे और उनका संपर्क किन नेताओं के साथ था। ऐसे में उनके लिए हुड्डा साहब को खुद को सजा देनी चाहिए और धूप में खड़े होकर अपने दोनों तरफ दो दो चांटे मारने चाहिए ताकि जनता को लगे कि इंसाफ हो गया। नहीं, सारों का एक साथ काम तमाम करने का जो है प्लान किया गया है और इसमें कहीं ना कहीं जो सुरजेवाला सारा दिन राहुल गांधी के साथ रहते हैं उसका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि इन सारों ने मिलकर सुरजेवाला को ख़त्म किया तो अब वो मिलकर इन सारों को ख़त्म करना चाहते हैं। सारे कांग्रेस वालों को जो इनकम है वो मल्टीप्लाई करने के फार्मूले सिखाए जाते हैं और ये जितने भी हैं इन सब के पास फार्मूला, चाहे वो फिर भूपेंद्र हुड्डा की भी ऐसी बात आई थी और नेताओं की भी आई थी, क्योंकि इन्होंने 70 साल की राजनीति में किया ही ये कुछ है, ये बातें देश की करते हैं, गरीबों की करते हैं, लेकिन इनके पास फार्मूले जो हैं वो अपनी इनकम को कैसे मल्टीप्लाई करना है, अब वो कौन कौन से रास्ते हैं ये इसकी जाँच होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन बनने का बिहेव कर रही है, ये जब पाकिस्तान कोई मैच जीतता है तो ये वो लोग हैं जो ताड़ियां बजाते हैं, ये खाते हिंदुस्तान का है, गुण पाकिस्तान के गाते हैं और इनको अपने देश के एटम बम पर भरोसा नहीं है, इनको पाकिस्तान के एटम बम पर भरोसा। तो ऐसे लोगों के लिए तो हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों को तो निकाल के पाकिस्तान में डाल देना चाहिए, क्योंकि अब ये कई उसमें आ चुका है और कई जांचों में ये स्पष्ट हो चुका है कि हरियाणा जलाने वाले कौन लोग थे, उनका किस नेता के साथ संपर्क था, किस नेता के साथ वो लाइव कॉन्टैक्ट में थे, तो उसके लिए तो हुड्डा साहब को अपने आप को सजा देनी चाहिए और धूम में खड़ा करके अपने दोनों तरफ दो दो चांटे मारने चाहिए ताकि लोगों को लगे कि हाँ इंसाफ हो गया।
कुछ दिनों पहले महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया था कि पाकिस्तान ने परमाणु बम ईद के लिए संभाल कर नहीं रखे हैं। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जब पाकिस्तान कोई मैच जीतता है तो ये लोग तालियां बजाते हैं, ये खाते हिंदुस्तान का है और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। न्यूज डेस्क। तो इलेक्शन व्हील में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहेगा और चलता रहेगा ये व्हील भी, क्योंकि व्हील चलेगा तभी हमें पता लगेगा कि अगली खबर आपको कौन सी दिखानी है। सूत्रधार है ये व्हील हमारे इस शो का, धुरी है इस शो की, क्योंकि ये घूमता है तभी बताता है कि कौन सा प्रदेश है जहाँ की खबर आपको दिखानी है। तो यहाँ राजस्थान पर आकर व्हील रुक गया है इस तीर के सामने, तो देख लेते हैं राजस्थान से ये इलेक्शन व्हील खबर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जिस प्रकार से मोदी जी कहते हैं कि मैंने धोखा दे दिया जनता को, मैंने कर्जा माफ नहीं किया, बताइए जब आप प्रदेश की जनता को देना मोदी जी को, आप जो राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में जो झूठ बोल के गए हैं, मैंने कर्जा माफ नहीं किया, अगर नहीं किया तो आप देख लो क्या नहीं किया, आप जवाब दो ढंग से। कर्जा माफ हुआ है कॉपरेटिव का, भूमि विकास बैंक का, और उस वक्त मैंने कह दिया था कि नेशनल बैंक के लिए बातचीत चल रही है, उसके बाद में हम लोग 2 लाख के कर्जे को माफ करेंगे, पहले ही मैंने कह दिया था। और मोदी जी को कौन समझावे कि आप किस प्रकार से जनता को कह के जाते हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री धोखा दिया, धोखेबाज है वो। और ये भी कह दिया सीएम देशभ्रमी के साथ भारत के शौर्य की बजाय पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर विश्वास करते हैं, बताइए आप। अरे मोदी जी आपको आए हुए तो खाली हुए हैं, 20 साल हुए हैं राजनीति में आए हुए आपको, मुझे हुए हैं 40 साल हुए, 40 साल हुए मोदी जी। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अशोक गहलोत अपने बेटियों को बचाने के लिए गली गली में घूम रहा जोधपुर में, उसको बाकी चीजों की चिंता नहीं है, बता दीजिए आप। इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी देखा आपने? नहीं। देखा कोई? नहीं देखा। जोर से बोलो, देखा आपने? नहीं देखा। देखा आपने? नहीं देखा। देखा आपने? नहीं देखा। बता दीजिए आप, जो प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा देश में, उस देश का लोकतंत्र खतरे में होगा, उस देश का संविधान खतरे में होगा, उस देश खतरे में होगा। और आज पूरे मुल्क के विपक्षी पार्टी लोग ही कहते हैं मोदी जी के रहते हुए देश में लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, जो अमेरिका ने बनाया था देश को कचरा है, ये ऐसा नहीं कहा जाता है। ये उदाहरण तो राजस्थान के है, मेरे बारे में बता दीजिए आप। राजस्थान के एक बच्चा भी कह सकता है कि मेरा कैरेक्टर ये है कि मोदी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना महापाप समझता हूं मैं, और मोदी जी सच बोलना पाप समझते हैं, ये सच ही समझता है। तो आगे बढ़ते हैं, अपने शो को भी आगे बढ़ाते हैं और इस व्हील को भी घुमा देते हैं, और जब तक ये व्हील घूमता है हम आपसे कह रहे हैं कि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको मिलेगी हर एक पल पल की अपडेट, चाहे वो इलेक्शन की हो या देश और दुनिया की कोई भी बड़ी खबर हो जो सुर्खियां बनी होंगी इस वक्त की। तो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर पर आकर व्हील रुक गया है, तो नज़र डाल लेते हैं जम्मू कश्मीर की इस खबर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। संसदीय चुनाव की सरगर्मियों के बीच लद्दाख में कांग्रेस की फूट से भाजपा ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं। कारगिल से कांग्रेस के बागी विधायक असगर करबलई के अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार रिगजिन सपलवार के खिलाफ मैदान में उतरने से भाजपा काफी उत्साहित है। अब देखना होगा कि इस फूट से आखिर भाजपा को कितना फायदा मिल पाता है। न्यूज डेस्क।
तो तमाम खबरों के बाद एक बार फिर से हम आ गए हैं आपके सामने अपना शो इलेक्शन व्हील लेकर। अभी भी खबरों का सिलसिला बाकी है, कई प्रदेश बचे हैं क्योंकि यहाँ है 11 प्रदेश और 11 प्रदेशों की बड़ी इलेक्शन की 11 खबरें। आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप किसे देखना चाहते हैं अपना अगला प्रधानमंत्री। यहाँ हिमाचल पर आकर चक्का रुक गया है, तो पहले हिमाचल की देख लेते हैं इलेक्शन व्हील खबर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वो चौकीदार को इस देश का बेईमान बोलते हैं। ये लोग बोलते हैं जब हम लोग पंजाबी में कड़वा शब्द बोल देते हैं तो लोगों के पेट में मरोड़ हो जाता है, बड़ी दिक्कत आती है। भैया पंजाबी का इतना होता फिर पंजाबी ऐसे ही जल्दी कर ऐसे ही चलता है काम। फिर जो हमारे बात को चोर बोलेगा उसको भी हम लोग ऐसे बोलेंगे। ये तो थोड़ा कौरव बनाता नहीं तो मेरे बंदर दादा हमारे सामने लेकर लोग बैठे तो कोई की और उंगली उठाएगा हम लोग उसकी बाजू काट करके उसे हाथ में पकड़ा देंगे। हम कोई नन्नू पंजू खाया करता नहीं है। हम लोग नन्नुओं की जमात नहीं है। हम लोग अपना कैरियर बनाने के लिए नहीं काम कराए हुए हैं कि नन्नुओं की जमात है। आप लोग हमारे नेताओं को गाली दो और हमसे तुम लोग उत्तर स्वरूप प्रसाद ढूंढ दो, नहीं मिलेगा। तो एक बार फिर से खबरों का सिलसिला लेकर हम आ गए हैं इस खबर के बाद और अगली खबर के लिए आपके सामने है। व्हील भी घूम चुका है, अब सिर्फ इसके रुकने का इंतजार है। तीर के सामने प्रदेश रुकेगा और वहां की बड़ी खबर आपको दिखाई जाएगी। तब तक आप क्या करें, न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर चक्का धीरे धीरे आकर झारखंड पर रुक गया है, तो नजर डाल लेते हैं झारखंड की सिलेक्शन व्हील खबर पर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कोडरमा से महागठबंधन उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी को धमकी भरा पत्र मिला है। ये पत्र माओवादियों के नाम से लिखा गया है। जानकारी के अनुसार ये चिट्ठी उनके गिरिडीह स्थित घर के पते पर भेजी गई है। चिट्ठी में बीजेपी के साथ समझौता होने का दावा किया गया है, साथ ही JVM के प्रत्याशियों को चुनाव से पीछे हटने का भी फरमान दिया गया है। ये पत्र कल हमारे पास आया है, जो लिफाफ में मैंने देखा कि वो लगता है रांची से पत्र डाला गया, और रात में जब उस पत्र को खोल करके मैंने पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि हमें वो धमकी दी गई है। और ये भी बताया गया है कि जिस प्रकार से कोडरमा जिला अध्यक्ष शंकर यादव के सारे वाहन सामने तो उसको उड़ा दिया जा गया, तो उसी प्रकार से मैंने फिर अंजाम को दिया जाएगा। तो इस आशय की पत्र कल रात में हमें मिला, आज हम इस पत्र यहाँ के थाना और यहाँ के पुलिस प्रशासन को भिजवा देंगे और सरकार से हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच सरकार को करनी चाहिए और जो भी दोषी है उसमें उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस पत्र में अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास का नाम उल्लेख किया हुआ है, और ये भी इस पत्र में कहा गया है कि भाई इन लोगों के साथ जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो माओवादी है उनके साथ इन लोगों के डील हुए हैं, सभी 14 लोकसभा सीटों को जिताने के, और इसलिए धमकी ये दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य थे और झारखंड से, और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद हमारे परिवार के ऊपर जो घटनाएं घटी, एक तो भीड़ मेला में 19 लोगों के साथ हमारे बेटे की भी हत्या हुई और हमारे भाई के ऊपर भी दो दो बार हमला हो चुके दिखाड़े, और उसके बाद राज्य सरकार ने जब हम राज्य में रघुवर दास की सरकार के गलत कामों के जब हमने विरोध किया, संघर्ष करना हमने शुरू किया, और यहाँ तक कि जब पुलिस प्रशासन भी जो गलत किया था जैसे अनुराग गुप्ता वगैरह इलेक्शन में सरकार के पक्ष में काम किया और उसका हमने विरोध किया, तो इसके बाद सरकार ने हमें जो जेड प्लस सुरक्षा जो मिली हुई थी उसको सरकार ने वापस लिया। हमने तब भी कोई इस बात की ये नहीं है, क्योंकि मैं तो जनता के लिए काम करता हूँ, हमारा ये नहीं है कि भाई
सुरक्षा हमें मिले या ना मिले ये कोई बहुत विषय बड़ा महत्व का नहीं है, जनता सुरक्षित रहे ये जरूरी। लेकिन आज जब पत्र मिला तो मैं पूरा कंटेंट को जोड़ करके देखता हूँ तो लगता है कि कहीं सरकार की मंशा साफ दिखती नहीं। सरकार की मंशा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं गलत है, संदिग्ध है। बता दें कि कोडरमा लोकसभा सीट से बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में हैं। यहां उनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और भाकपा माले के राजकुमार यादव से है। धनबाद से न्यूज के लिए नीरज कुमार की रिपोर्ट। इलेक्शन व्हील में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। 11 प्रदेश हैं, 11 बड़ी खबरें हैं, तो वो खबरें चलती रहेंगी, साथ साथ ये व्हील भी चलता रहेगा, क्योंकि ये व्हील चलता रहेगा और आपके सामने खबरों का सिलसिला भी यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि हमारे शो का फॉर्मेट ही यही है कि यही व्हील हमें घूम कर रुक कर बताता है कि कौन सी अगली खबर होगी जो आपको दिखानी है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि धीरे धीरे व्हील रुकता जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश पर आकर रुक गया है। 80 लोकसभा सीटों के साथ राजनीति में बहुत अहम भूमिका है उत्तर प्रदेश की। देख लेते हैं कि यहाँ से कौन सी है बड़ी इलेक्शन व्हील खबर। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पूर्व बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में से नामांकन किया। तेज बहादुर अपने साथियों के साथ पैदल ही नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान तेज बहादुर के साथ मौजूद कई रिटायर्ड और सेना से बर्खास्त फौजियों ने दान में 1 रुपए का आर्थिक सहयोग भी मांगा। वहीं तेज बहादुर ने दावा किया कि उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमारी लड़ाई सबसे पहले भ्रष्टाचार से है, जो है भ्रष्टाचार को लेके थे। जैसे मोदी जी सत्ता में आए थे, ना खाऊंगा ना खाने दूं, लेकिन हुआ क्या, आज देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है। तो तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, किसानों के मुद्दे हैं, बुनकर के मुद्दे हैं, और सभी मुद्दों को लेकर हम नामांकन करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार आप के सामने मैं भी हूँ, यही हुआ, मैंने भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाई तो क्या हुआ, ये सत्ता में बैठे लोगों ने मुझे ख़त्म करने की कोशिश की, इसलिए हम मैदान में आए आज। कि आप देख रहे हैं, हमने सबसे पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था और आज हमारी हालात क्या है, ये जितने भी जवान खड़े हैं ये सब ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। इनकी आप देखिए, आपके हमारे कुछ पुलिस के भाई खड़े हैं, इनसे आप पूछ के देख लीजिए, कोई पुलिस वाला अगर ईमानदारी से ड्यूटी करना चाह रहा है तो क्या आज का जो बड़े नेता लोग क्या उसके ड्यूटी करने देते हैं? इसलिए आप मजबूर होकर सेना के जवानों को आज मैदान में आना पड़ा है। तो हम इसीलिए तो आए हैं, 70 साल में पहली बार कोई एक जवान जो है संसद के अंदर जाएगा तो इस देश के हित की बात करेगा। वो आपको बता दें कि तेज बहादुर यादव ने बीएसएफ में खराब खाने को लेकर सवाल उठाए थे। वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में तेज बहादुर की चर्चा हुई। इसके बाद बीएसएफ ने अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें बर्खास्त कर दिया था। वाराणसी से श्याम सुंदर की रिपोर्ट। तो अब बचा है सिर्फ एक प्रदेश, देख लेते हैं वो आता है या फिर नहीं। नहीं आया तो भी हम आपको वहां की इलेक्शन व्हील खबर जरूर दिखाएंगे, क्योंकि यहां है 11 प्रदेशों की बड़ी 11 इलेक्शन की खबरें। और जिस तरह से इस वक्त चुनावी माहौल पूरे देश में चल रहा है, लोगों का रुझान जानने की पूरी कोशिश की जा रही है, यहां पर उत्तराखंड आ गया है हमारा अगला प्रदेश और बचा है उत्तराखंड। तो देख लेते हैं कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है इलेक्शन व्हील खबर में। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर टिहरी और हरिद्वार प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। टिहरी की 7 और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की 3 विधानसभाओं की मतगणना रायपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज में होगी। मतगणना के लिए कर्मियों की 2 शिफ्ट में तैनाती की जाएगी। इसके लिए 100 कार्मिकों को 30 अप्रैल से मतगणना का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतगणना के लिए सभी विधानसभा के उप निर्वाचन अधिकारियों को शासन द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। एआरओ की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मतगणना कार्य में शामिल कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल कर्मियों और 1 टेबल एआरओ की होगी। कुछ विधानसभाओं में 11 और कुछ जगहों पर 16 राउंड में मतगणना की जाएगी। इसको देखते हुए जिला प्रशासन भी खासा सतर्क है। न्यूज डेस्क।
तो इलेक्शन व्हील में आज आपने देखी 11 प्रदेशों की बड़ी 11 खबरें, चुनाव से रिलेटेड थी सारी खबरें, और इसी तरह हम आपके लिए रोज लेकर आते रहेंगे इलेक्शन व्हील, 11 प्रदेश, बड़ी 11 खबरें। इस व्हील को चलता रहने देते हैं क्योंकि इस व्हील का काम ही है चलते रहना, ये चलता है तो खबरें पता लगती रहती हैं। फिलहाल आपसे लेंगे अलविदा, यहाँ पर आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर आएंगे कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।